सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो इस व्लॉग में हम जा रहे हैं पापा के साथ पापा के ऑफिस, क्योंकि कल जाने पापा ने दिल्ली के बाहर। तो आज हम हड्डी के लिए देखने जा रहे हैं। और पापा जी अभी हमें पिरागढ़ी फ्लाईओवर के नीचे, यहाँ से हमें अभी बस 25 मिनट लगेंगे, तो सीधा से मिलते हैं ऑफिस में, ठीक है। ये गाड़ी वाला धूप बहुत हो रही है और आज टाइम हो रहा है, दिख रहा हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को टाइम। अभी हो रहा है 2:04, और आज रामनवमी भी है, तो मेरी तरफ से क्या करे फिर। तो गाइस मैं कह रहा था कि आज रामनवमी भी है, तो मेरी और मेरे पापा और सबकी तरफ से आप सबको हैप्पी रामनवमी। और पापा आप क्या कहना चाहते हैं? सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं कहाँ, तो सबसे पहले पंजाबी वाला नहीं, अभी अशोक पार्क में पहुंचने वाले हम, तो सीधा से मिलते हैं पंजाबी बाग, नहीं सॉरी, अभी हम पश्चिम विहार पहुंचे हैं, पश्चिम विहार वेस्ट, तो अभी हम सीधा मिलेंगे पंजाबी बाग में। ओके, तब तक के लिए एंजॉय। गाड़ी लॉक कर लो पापा। बैटमैन, तो सीधा उसे मिलेंगे ये रेड लाइट क्रॉस करने के बाद। ओके, तो गाइस रेड लाइट क्रॉस हो चुकी है और अभी हम पश्चिम विहार वेस्ट है ना, वेस्ट पार करने वाले। अब आएगा पश्चिम विहार ईस्ट, फिर कौन सा आता है ईस्ट के बाद, फिर आएगा पंजाबी बाग, फिर आएगा अशोक पार्क मेन, फिर सीधा अशोक पार्क के बाद सीधा करोल बाग आ जाएगा। और लेकिन हमें जाना दूसरी करोला गली साइड, वो नई वाला साइड जाना है, तो अभी वही लगेगा 15-20 मिनट, ट्रैफिक आज है नहीं तो जल्दी पहुँच जाएंगे 10-15 मिनट में, तो सीधा से मिलेंगे पंजाबी बाग वेस्ट। फिर से एक रेड लाइट आ चुकी है, चलो ग्रीन लाइट आ गई, अब निकल लो भाई, जल्दी आगे बढ़ लो। ये ट्रैफिक आज नहीं है लेकिन रेड लाइट बहुत ही,
पे उतर के से गई भी। सीट बेल्ट ना बार बार उतर जाती है। हम दोनों ने सीट बेल्ट लगा रखी है और अभी हम पहुंच चुके सामने, आपको दिख ही रहा होगा, सॉरी नहीं दिख रहा होगा। अभी देखते हैं हम कहाँ पहुंचे हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मादीपुर और अभी पंजाबी बाग। यहाँ से कितनी दूर होता है पंजाबी मादीपुर से पंजाबी बाग? तो वो सोचने वाले पंजाबी बाग सीधा से मिलते हैं वो पंजाबी बाग। नगर तोलाकुन करोल बाग, तो अभी हम नीचे वाले पुल से लेंगे। अभी हम पहुंचने वाले अशोक पार्क मेन सामने, दो मिनट में दिखाता हूँ।
का शो पर मेन का मेट्रो स्टेशन। यहाँ से तो बहुत कम टाइम ही लगेगा पंजाबी बाग पहुँचने में, करोल बाग पहुँचने में। पंजाबी बाग पीछे रह गए बेटे, क्या हुआ? पीछे रह गए? शायद ध्यान नहीं दिया मैंने, सॉरी। तो गाइस, अगर मैं, मेरे दोस्त ने मेरे को एक स्टोरी बताई थी कि अगर काली कराटा डिप्पर मारती है तो वो क्या हो, यमराज का क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं वो, बताया था मैंने आपको, क्या कहते हैं यमराज का, हाँ होता है, अगर काली कराटा डिप्पर मारे। और अगर ये रियल स्टोरी है तो मेरे को कमेंट में जरूर होता ना कि रियल है या ऐसे ही बोलते रहते हैं। इट्स नॉट रियल, ओके, क्योंकि अभी अभी मेरे को ये काली करेटा दिखी थी और मेरे को एकदम से दिमाग में ये स्टोरी आ गई, इसलिए। गाइस, वो बिल्डिंग देखो कितनी बड़ी है। हम पहुंच चुके हैं करोल बाग, अब यहाँ से 5 मिनट लगेंगे, सिर्फ 5-10 मिनट मैक्सिमम।
गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं करोल बाग और यहाँ से सिर्फ 3 मिनट लगेंगे ना पहुंचने में, 5 मिनट लगेंगे। तो कुछ देखते हैं कितनी देर लगती है। वैसे मेरे हिसाब से 5 मिनट लगेंगे। और इधर पापा जी यार मैं करूँ मत दिखा मुझे। ये रेडियो पे पता नहीं क्या चल रहा है। फिर से रेड लाइट वाइट। अब मैं आपको मिलूंगा सीधा ऑफिस की ऑफिस में। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं ऑफिस। तो गाड़ी यहाँ पार्क कर रहे हैं हम, ठीक है। अब उतरते हैं फटाफट से गाड़ी से। हेलो करो गाड़ी यहाँ पार्क कर देते हैं, गेट कर देते हैं बंद। पापा का बैग ले रहे हैं अभी गाड़ी में से और यहाँ पार्क, ठीक है। गाइस हम पहुंच चुके हैं ऑफिस। अगर आप तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। और गाइस फिर से बोल रहा हूँ मेरा गेमिंग चैनल भी है गैंगस्टर गेमिंग के नाम से, सब्सक्राइब करके जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलते जल्दी के नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।